हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम विंटर स्पेशल सेसमे यानी कि तिल से फेस पैक बनाएंगे। विंटर सीजन में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई और डल हो जाती है, जो कि बाज़ार के महंगे से महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी सही नहीं होती। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये फेस पैक आपकी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी लाइटन ब्राइटन और वाइटन बनाएगा, साथ ही आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा। ये आपके एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा और सबसे इंपॉर्टेंटली ये आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम को तो एकदम जड़ से ही खत्म कर देगा। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो आइए इस अमेजिंग फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। सेसमे फेस पैक बनाने के लिए मैंने ये 2 बड़े चम्मच सेसमे सीड्स यानी कि तिल ले लिए हैं। ये दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं और ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें तिल डालेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड करके इनका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने तिल को अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक क्लीन बोल में ये ग्राइंड करे हुए तिल निकाल लेंगे। सेसमे सीड्स में भरपूर मात्रा में वाइटामिन ई होता है। ये हमारी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। ये हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी स्किन पर एज अ माइल्ड एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमारे पोर्स को डीप क्लेंस करता है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इसलिए ये हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है और साथ ही हमारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है और साथ ही हमारे एनलार्ज ओपन पोर्स को भी श्रिंक करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 3-4 चम्मच योगर्ट यानी कि दही ऐड करेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी डेड स्किन को रिमूव करती है और साथ ही हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा लाइटन ब्राइटन और वाइटन भी बनाती है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं फेस पैक की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हमारा फेस पैक बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, पैक लें और इसे अपने पूरे फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली अप्लाई करें। और इसे इस तरह इवनली अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस पैक के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें। और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी ड्राई स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ फील होने लगेगी। आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइटन अप हो जाएगा, आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे और आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस विंटर सीजन आप भी इस अमेजिंग फेस पैक को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।